देखिए ऐसे केसेस में तो जनरली हम लोग क्या बोले, अब तो नौकरी भी छोड़ी जा सकती है। कि ना चाहते हुए भी हमारे मन में एक ऐसा धुन आ जाता है, हम लोग गाते हैं कि अरे काचा ही बस के बहंगी बहंगी लचकत जाए पिन्ही ना बालम जी पहरिया दौरा घाटे चाहूं पाए। नमस्कार, मैं हूँ आयुष मिश्र और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी हर जगह शुरू हो गई है और ऐसे में दूर दराज जो अपने घर से दूर लोग रहते थे वो भी अपने घर वापस आने लगे हैं। लेकिन ऐसे में अभी हम राजधानी पटना के सड़कों पे ये जानने के लिए निकले हैं कि छठ पूजा में अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो कैसा लगता है, क्योंकि हर किसी को छठ पूजा का इंतज़ार रहता है। और ऐसे में जब छठ पूजा में अगर मान लीजिए आपको ऑफिस वाले छुट्टी ना दें, या फिर हर साल छठ पूजा को लेके पटनावासी कितने एक्साइटेड रहते हैं, चल के वो जानते हैं। छठ पूजा आने वाला है जी, आने वाली, कितने एक्साइटेड हैं उसके लिए? बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा फेस्टिवल है हमारे बिहार का, तो बहुत खुशी होती है, एक्साइटमेंट रहता है। अच्छा, जब जो लोग काम करते हैं, आप भी काम करते होंगे, अगर मान लीजिए छठ पूजा में आपको छुट्टी नहीं मिली या घर आने का मौका नहीं मिला तो कैसा लगता है? देखिए बहुत बुरा लगता है, साल भर की उम्मीद होती है परिवार वालों से मिलेंगे, तो एक उम्मीद रहती है कि छुट्टी मिले, परिवार के साथ छठ मनाए, तो सब चाहते हैं घर आए। बिल्कुल, आपने सुना कि छठ पूजा से लोगों की उम्मीद बनी रहती है कि छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ पे हर किसी को घर जाने का सबसे पहले मन लग करता है, घर के साथ मिलके, घर वालों के साथ मिलके छठ मनाने का मन करता है। कितने एक्साइटेड हैं छठ पूजा के लिए? एक्साइटमेंट तो खैर सबसे ज़्यादा इसी पर्व की रहती है हम लोगों को, बिहारियों को, क्योंकि खासकर इस समय में जो परिवार एक होता है, सारे लोग घर पे आके पर्व त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं एक साथ। छठ में तो कम से कम लोग ज़रूर आ जाते हैं अपने अपने घर पे, तो ये मतलब एक्सपीरियंस बयां नहीं किया जा सकता। ये अगर मान लीजिए कि इतनी एक्साइटमेंट के बावजूद अगर छुट्टी नहीं मिले और अपने घर नहीं आ पाए छठ में तो कैसा महसूस होगा? देखिए ऐसे केसेस में तो जनरली हम लोग क्या बोले, अब तो नौकरी भी छोड़ी जा सकती है। भाई भाई, इन्होंने तो कहा छठ पे छुट्टी नहीं मिलेगी तो नौकरी छूट जाएगी, लेकिन छठ की छुट्टी लेंगी ही जरूर। एक बात बताइए, एक्सक्यूज मी गाइस, आई नो आप लोग ऑर्डर देने में बिजी हैं, फिर भी छठ पूजा आ रहा है इसलिए हर एक बिहारी से मैं जानना चाहती हूँ कि वो इस पूजा के लिए कितना एक्साइटेड है। सभी लोग एक्साइटेड है, होली फेस्टिवल है, धार्मिक है, इसीलिए आस्था है सब लोगों का, और इसीलिए और बिहार में स्पेशली बिहार का पर्व है इसलिए लोग इसके प्रति ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और आप लोग के माध्यम से इसको और भी धार्मिक और एक अच्छा लुक दिया जा रहा है, इसके कारण लोग का इसके प्रति जागरूकता बढ़ रहा है। तो ये आप लोग का मीडिया वाले का बहुत बड़ा योगदान है इसमें कि इसको और एक्सप्लोर करने का, एक होली फेस्टिवल है, धार्मिक है, तो इसको जितना ज़्यादा बढ़ाया जाए, इस कारण से ये बहुत ही अच्छा, आप लोग का भी इसमें अहम भूमिका है इस पर्व को और अच्छा करने में, एक नई ऊँचाई देने में। लोक आस्था के इस महापर्व छठ पूजा की जब भी तैयारी शुरू होती है या जब भी पूजा आने वाला होता है तो बिहार वासियों को खास कर इस पर्व का खास इंतज़ार रहता है, वो चाहते हैं कि कब छठ पूजा है और कब वो अपने घर वालों के साथ घाट पर जाके छठी मैया को अर्घ दे। और ऐसे में और भी लोग हैं, हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि छठ पूजा आने के बाद उनके अंदर कितनी एक्साइटमेंट रहती है और कैसा लगता है जब अगर मान लीजिए कि पूजा आने वाला हो, घर वाले बुला रहे हो और छुट्टी ना मिले, कितने एक्साइटेड हैं पूजा के लिए? देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि छठ पूजा जो है यूपी और बिहार नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की और पूरे भारतवर्ष की एक ऐसी ऐतिहासिक त्यौहार है जिसको हम लोग देश के किसी कोने में रहे त्यौहार में हम लोग आते ही हैं और अलग तरीके से, एक अलग उत्साह से इसको हम लोग मनाने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस COVID-19 के बाद, कोरोना 2-3 साल लगातार कोरोना के चपेट में पूरा देश था, पूरा विश्व त्रस्त था, और उसके बाद एक ऐतिहासिक त्यौहार जो है उसका आगमन हुआ है, तो वाकई हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं जी। और अगर मान लीजिए कि आपके तो उत्साह के बीच में अगर नौकरी से छुट्टी ना मिले तो क्या होगा, क्योंकि 4 दिन का ये पर्व होता है और बड़े अनुष्ठान के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो पर्व है वाकई एक ऐतिहासिक है, तो छठ पूजा में यदि छुट्टी भी नहीं मिलता है तो बिहार और यूपी का एक परिभाषा है कि वो लोग बिना छुट्टी के भी बहुत से लड़ाई करके भी वो छुट्टी लेके आ जाते हैं, और हमारी एक ऐसी परंपरा है, हमारा एक ऐसा ऐतिहासिक त्यौहार है कि ना चाहते हुए भी हमारे मन में एक ऐसा धुन आ जाता है, हम लोग गाते हैं कि अरे काचा ही बस के बहंगी
बहंगी लचकत जाए पिन्ही न बालम जी पहरिया दौरा घाटे चहूँ पाए। तो ये कैसा त्यौहार है कि ना चाहते हुए भी लोग धुनों को गुनगुनाने लगते हैं, और छठ पूजा को तो हम लोग ऐसे मनाते हैं पूरे विश्व में। आप विश्व में सूरीनाम की बात करेंगी, मॉरिशस की बात करेंगी, तो वहाँ भी छठ पूजा को मनाया जाता है, तो ये तो बिहार की धरती है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा गुनगुनाया है, और माँ छठी के गीतों में एक ऐसा सुकून है जो हर बिहारवासी महसूस करते हैं, या बिहार से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं उनको छठी माई के गाने में उतना सुकून मिलता है। और आपने बहुत सही गुनगुनाया, मैं चाहूँगी दो तीन पंक्तियाँ और सुना दें ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके अंदर भी जोश भर जाए, जो बिहार में नहीं बिहार से बाहर अभी रह रहे हैं और छठ पूजा को बहुत मिस कर रहे हैं, उनके लिए दो तीन लाइन ज़रूर गाएं। देखिए, मैंने पिछली बार, जैसे मैं गाना लिखने का भी काम करता हूँ, तो हम लोगों ने पिछली बार एक गाना लिखा था, पवन जी की आवाज़ में आया भी था, उसका बोल था, ये दूसरे लोगों का लिखा हुआ है, एक गाना हमने लिखा था पिछले छठ पूजा में, उसका बोल था, अरे की छठी मैया भरी दान गोदिया ललनमा से, छठी मैया भरी दान गोदिया ललनमा से। एक बाजिन छठी माई से गुहार करिए कि हर साल करी ले बरात तुहर मानवा से, हर साल करी ले बरात तुहर मानवा से, छठी मैया भरी दाना गोदिया लला नमस्ते। इसका अंतरा है कि माई हऊ माई के तू कही अले असरा पुरैबू, सुना सुना गोदिया में कही अले फुलामा खिलैबू, ना तो उठ विश्वास छठ पूजा नमासे, ना तो उठ विश्वास छठ पूजा नमासे, छठी मैया भरी दाना गोदिया लला नमासे। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बहुत बहुत खूब गाया आपने, और मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि जो भी व्यूवर्स हमारा ये वीडियो बिहार या यूपी से बाहर बैठ के देख रहे होंगे उन्हें ज़रूर एक बार अपनी घर की याद आएगी, और वो ज़रूर छठ पूजा में अपने घर को और छठी मैया के इस पावन पर्व को मिस ज़रूर कर रहे होंगे। फिलहाल इसी गीत के साथ मैं आपको छोड़े चली जाती हूँ, तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।